हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को, पाइए चैनल से जुड़े लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे सबसे पहले निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है जो भी एग्ज़ाम आने वाला होता है उससे संबंधित हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जैसे आप इस समय UPSI का एग्ज़ाम आने वाला है, BSI का एग्ज़ाम आने वाला है, 12 तारीख को हाई कोर्ट का एग्ज़ाम आने वाला है, फिर उसके बाद लेखपाल का एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे हर किसी एग्ज़ाम जो आने वाला होता है उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर और सेक्शनल जो उसमें सब्जेक्ट आते हैं उनकी अलग अलग PDF आपको अच्छे से और विधिवत तैयारी कराई जाती है। तो मित्रों, अगर आप नए हैं तो आपसे बहुत बहुत निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो हमने जैसा कि कल अपने वीडियो में बात की थी कि जो UPSI का एग्ज़ाम है उसमें हिंदी कैसी आती है, और उसके लिए हमने स्पेशल PDF आप लोग को प्रदान की थी। तो आज हम लोग बात करते हैं कि इसमें रीजनिंग कैसी आती है। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे मित्रों कि जो UPSI का एग्ज़ाम होता है उसमें रीजनिंग का लेवल पहले बहुत आसान हुआ करता था, लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उसमें रीजनिंग का जो लेवल है उसको बढ़ा दिया गया है। तो मित्रों, आपको हम केवल एक बुक सजेस्ट करना चाहेंगे और इस बुक से 100% आपका जो एग्ज़ाम है क्लियर हो जाएगा। तो ये बुक है आपके सामने, हमें रखी हुई ये किरण पब्लिकेशन की एक रीजनिंग की बुक आती है। ये इससे बेटर बुक आज इंडिया में कोई नहीं है रीजनिंग के लिए। तो आप इसको देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें एक एक करके आप सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ सकते हैं। सारे चैप्टर पढ़ पाना तो संभव नहीं है, लेकिन मैंने इस बुक का जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब इस बुक की जो लिंक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है आपके पास। जब भी समय मिलता है इसको डाउनलोड करके पढ़िए, क्योंकि एक महीने का समय है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। अगर आप एक महीने मन से पढ़ जाते हैं तो 40% नहीं तो आप 35% 30% तो ज़रूर करके आएंगे, क्योंकि रीजनिंग का लेवल ऐसा होता है कि 25% 20% तो हर बच्चा करके आता है। तो अगर आप इस बुक से पढ़ते हैं, क्योंकि बुक बहुत अच्छी है, लेवल बहुत अच्छा है, हमने पढ़ी हुई है, तो हमें पता है कि ये बुक आजकल इंडिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली रीजनिंग की बुक है। तो आप इससे अगर पढ़ते हैं तो निसंदेह आपका एग्ज़ाम 100% अच्छा होने वाला है। तो रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आप लीड बना सकते हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स अटेंड यहीं से किए जाते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये थी रीजनिंग की वो बुक जिससे सबसे ज़्यादा फंसने की संभावना है, और इस बुक की जो लिंक है वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, यहाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम आपको कल प्रोवाइड करेंगे मैथ की वीडियो की, मतलब मैथ के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक सर्वश्रेष्ठ होगी आपके लिए UPSI को ध्यान में रखते हुए। तो मित्रों, जो लोग हमारे चैनल पर नए थे, उन्होंने हमारी वीडियो को देखा है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपका भी कोई ना कोई एग्ज़ाम निकट आने वाला होगा और उससे संबंधित PDF और प्रैक्टिस सेट हम आपको 100% करवाएंगे। तो मित्रों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।